dear students, I hope you all are doing great. I am Priyanka Vinzwadia from Shubham English Medium School. I welcome you all in our today's learning session. Today we are going to learn a topic in EVS, that is parts of the body. Our body is more than what we see when we look in the mirror. यानी कि हम जब हमारे मिरर में देखते हैं तब हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं. Our body has many internal parts as well as many external parts. हमारी बॉडी में बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं और बहुत सारे एक्सटर्नल पार्ट्स भी होते हैं. ईच पार्ट हैज इट्स ओन वर्क, यानी कि जितने भी पार्ट है उसका खुद का ही कुछ कार्य होता है. सो टुडे वी विल लर्न द पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इट्स वर्क. आज के जो सेशन है उसमें हम बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उसके नेम के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और उसका जो कार्य है, उसका जो वर्क है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे. सो आर यू गाइस रेडी फॉर इट? यस, लेट्स बिगिन. दिस इज फेस. फेस इज पार्ट ऑफ अवर बॉडी. हेड इज ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी एंड दिस आर हेयर. We have two eyes. We can see with our eyes. आई से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं. आई से हम ये ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड देख सकते हैं. नेक्स्ट, We have two ears. We can listen with our ears. ईयर से हम बहुत सारे आवाज सुन सकते हैं, जैसे कि ट्रेन की आवाज, मंदिर के घंट की आवाज. नेक्स्ट, Nose. We have one nose. We can smell with our nose. Nose से हम जब मम्मा खाना बनाती है तो उनकी स्मेल हम अपने नोज से ले सकते हैं. Next, mouth. Mouth include teeth and tongue. We can eat with our teeth and we can taste with our tongue. दांतों से यानी कि हमारे टीथ से हम खाने को चबाकर खा सकते हैं और टंग से हम उस खाने का टेस्ट ले सकते हैं. नेक्स्ट, वी हैव टू लिप्स एंड वी हैव टू चीक एंड वी हैव वन चिन. दिस इज अ नेक. नेक इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट जॉइंट्स हेड टू द शोल्डर. And also neck helps me move to side by side like right and left, up and down. Yani ki hum neck se apne face ko right, left, up and down kar sakte hai. This is our chest. The chest is upper front part of our body between the neck and stomach. Chest जो है वो हमारी body का बीच का भाग है जो neck और stomach के बीच में आता है. Then stomach. Stomach is located in the middle of our body. Stomach जो है वो हमारी body में middle में आता है. When we eat the food, it goes in stomach. हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है. दीज आर अवर हैंड्स. एक कौन सा पार्ट है? हैंड्स, राइट. डू यू नो शोल्डर्स, एल्बो, रिस्ट, पाम, फिंगर एंड थम मेक अ हैंड. यानी कि शोल्डर, आर्म, एल्बो, रिस्ट, पाम, फिंगर्स एंड थम मेक्स अ हैंड. ये सारे पार्ट्स मिलकर एक हैंड बनाते हैं. अंडरस्टैंड? एंड वी हैव पेयर ऑफ दिस ऑल पार्ट्स. यानी कि ये सारे पार्ट्स की हमारे पास पेयर है. यानी कि हमारी बॉडी में ये सारे पार्ट्स टू टू है. ओके, लेट्स लर्न इन डिटेल. फर्स्ट वन, विच पार्ट इज दिस? दिस आर शोल्डर्स. वी हैव वन एंड टू. वी हैव टू शोल्डर्स, राइट. ओके, वी कैन टर्न अवर हैंड अराउंड विद द हेल्प ऑफ शोल्डर्स. यानी कि हम हमारा हैंड जो है वो आसपास अराउंड टर्न कर सकते हैं.
किसकी हेल्प से? शोल्डर की हेल्प से. नेक्स्ट, विच पार्ट इज दिस? दिस आर आर्म्स एंड वी कैन वॉक विथ आर आर्म्स, यानी कि हम हमारे आर्म्स की हेल्प से वॉक कर सकते हैं. राइट, ओके. नेक्स्ट वन, विच पार्ट इज दिस? दिस इज एल्बो. ये कौन से पार्ट है? एल्बो. एंड वी कैन बेंड आवर हैंड विद द हेल्प ऑफ एल्बोज. राइट, यानी कि हम एल्बो की हेल्प से हमारे हैंड को बेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, दिस पार्ट इज रिस्ट. क्या है ये? रिस्ट. और रिस्ट जो है वो पाम एंड आर्म्स को ज्वाइन करता है. ये रिस्ट जो है वो किस किस को ज्वाइन करता है? पाम एंड आर्म्स को. ये हो गया ज्वाइन. ओके, और वी वेयर वॉच ऑन आवर रिस्ट, यानी कि हम हमारी रिस्ट पे वॉच पहनते हैं. राइट, ओके. नेक्स्ट वन, विच पार्ट इज दिस? दिस इज पाम. वी हैव टू पाम एंड वी कैन कैरी एनी थिंग्स और एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आर पाम, फिंगर्स एंड थंब. राइट, नेक्स्ट वन इज फिंगर्स. वी हैव फोर फिंगर्स इन अ हैंड, यानी कि एक हैंड पे हमारे फोर फिंगर्स है. वन टू थ्री फोर, सो टोटल वी हैव एट फिंगर्स. वाई एट फिंगर्स? बिकॉज 10 फिंगर्स में से 2 जो है वो क्या है? थम्स है. राइट, ओके. वी कैन होल्ड पेन और पेंसिल विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर्स एंड थम टू राइट एंड कलर. ओके, द लास्ट वन, दीज आर आवर थम्स एंड थम्स आर ऑल्सो यूज फॉर अ साइन लाइक वेरी गुड, ग्रेट, गुड जॉब. अंडरस्टैंड? ओके. फर्स्ट, वन हैंड में कौन कौन से पार्ट होते हैं? शोल्डर्स, आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट, पाम, फिंगर्स, थंब. अंडरस्टैंड? दीज आर आवर लेग्स. इन लेग्स दीज आर नीज. नीज हेल्प्स टू बेंड लेग्स. नीज की हेल्प से आप अपने लेग्स को बेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फीट. दीज आर अवर फीट. नेक्स्ट इज टो. जैसे हमारे हैंड्स की फिंगर्स में टू थम्स होते हैं, वैसे ही हमारे लेग्स में टोज होते हैं. टोज और फीट की हेल्प से हम हमारे लेग्स पे वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं एंड रनिंग कर सकते हैं. नाउ आई होप यू ऑलरेडी नो द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी एंड देयर वर्क. लेट्स हैव अ स्मॉल रिकैप ऑफ इट. लुक एट द फर्स्ट वन. दिस इज अवर हेड. एच ई ए डी. हेड इज द टॉप पार्ट ऑफ आर बॉडी. हेड जो है वो हमारे बॉडी में ऊपरी हिस्सा होता है. हेड इंक्लूड्स हेयर. दीज आर हेयर. एच ए आई आर. वी हैव हेयर ऑन आर हेड. हेड के भाग में क्या होता है? बाल, यानी कि हेयर होते हैं. द नेक्स्ट वन इज आर फेस. दिस इज आर फेस. वी हैव टू आईज, one nose, two ears, one mouth, two cheeks and one chin. This is our eye. E Y E. We have two eyes. We can see with our eyes. यानी कि हमारी जो आँख है उसकी मदद से हम हमारे आसपास जितनी भी चीज़ है उसको देख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो रीड विथ अवर आइज. हम हमारी आँख से रीडिंग कर सकते हैं. डू यू लाइक टू रीड बुक्स? यस, वी कैन रीड विथ अवर आइज. द नेक्स्ट वन इज ईयर. दिस इज ईयर. ई ए आर. वी हैव टू ईयर्स. वी कैन हियर विथ आर ईयर्स.
यानी कि हम हमारे ईयर की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट साउंड जो है वो सुन सकते हैं. वी कैन ऑल्सो लिसन म्यूजिक विथ आर ईयर्स. द नेक्स्ट वन इज नोज. दिस इज अवर नोज. एन ओ एस ई. वी हैव वन नोज. हमारे पास एक नोज होता है. वी कैन स्मेल विथ आर नोज. हम हमारी नोज की हेल्प से स्मेल कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो ब्रीथ विथ आर नोज. हमारी नोज की हेल्प से हम ब्रीदिंग करते हैं. सो दिस इज अवर नोज. द नेक्स्ट वन इज माउथ. वी हैव वन माउथ. दिस इज माउथ. माउथ इंक्लूड्स टीथ, टंग एंड लिप्स. फर्स्ट वन इज टीथ. टी डबल ई टी एच टीथ. दीज आर टीथ. वी कैन च्यू फूड विथ आर टीथ. हम हमारी टीथ के हेल्प से खाना जो है उसको चबा सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज टी ओ एन जी यू ई. वी कैन टेस्ट विथ आर टंग. हम हमारी टंग की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं. देर आर मैनी टेस्ट लाइक श्योर देन बिटर स्पाइसी सॉल्टी. देर आर मैनी टेस्ट. वी कैन टेस्ट विथ आर टंग. नेक्स्ट वन इज लिप्स. एल आई पी एस. वी हैव टू लिप्स. वी कैन स्पीक विद द यूज ऑफ आर लिप्स. हम हमारी लिप की हेल्प से बोल सकते हैं. So these are the three parts of our mouth, that is teeth, tongue and lips. Next one is chest. This is our chest. C-H-E-S-T. In chest, we have many internal parts. Next one is stomach. S-T-O. M A C H. That is stomach. Stomach is allocated in the middle of our body. Body में जो बीच का हिस्सा है उसको stomach बोलते हैं. When we eat food, it goes to our stomach. हम जो खाना खाते हैं वो हमारे stomach में जाता है. There is a part which joint our head and our chest. What is it? It is neck. N E C K. नेक जो है वो हमारे फेस हेड और चेस्ट के भाग को जॉइंट करता है. विद द हेल्प ऑफ नेक वी कैन मूव बाय साइड टू साइड. सो वी कैन सी ऑल थिंग अराउंड अस. नेक की हेल्प से हम हमारे हेड और फेस को दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर ऑल डायरेक्शंस में घुमा सकते हैं. सो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो हम देख सकते हैं. सो दिस इज अवर नेक. एन ई सी के नेक. द नेक्स्ट वन इज शोल्डर. दिस इज अवर शोल्डर. एस एच ओ यू एल डी ई आर शोल्डर. विद द हेल्प ऑफ आर शोल्डर वी कैन मूव आर आर्म और हैंड. शोल्डर की हेल्प से हम हमारे हैंड को या फिर आर्म को मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज एल्बो. ई एल बी ओ डब्ल्यू. दिस इज आर एल्बो. विद द हेल्प ऑफ एल्बो वी कैन फोल्ड आर हैंड. एल्बो की हेल्प से हम हमारे हैंड को फोल्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज व्रिस्ट. दिस इज आर व्रिस्ट. डब्ल्यू आर आई एस टी. दिस इज आर व्रिस्ट. ऑन व्रिस्ट वी वेयर वॉच. व्रिस्ट के ऊपर हम हमारी वॉच पहनते हैं. वी कैन मूव आर पाम विद द हेल्प ऑफ व्रिस्ट. व्रिस्ट की हेल्प से हम हमारे पाम को मूव करवा सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज फिंगर. दिस इज फिंगर एंड दीज आर फिंगर्स. वन इज फिंगर. एफ आई एन जी ई आर.
This is finger and these are fingers. Our palm includes fingers and thumb. We have two thumbs. With the help of palm, fingers and thumb, we can hold something or we can take something. अगर हमें किसी चीज को पकड़ना है या फिर उसको लेना है तो हम हमारे पाम फिंगर और थंब की हेल्प से हम उसको पकड़ सकते हैं. शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिंगर. द नेक्स्ट इज थंब. THUMB. थंब. वी हैव टू thumbs. We can use thumb to sign out something like good one, yippee, well done, keep it up, like this. Shoulder, elbow, wrist, finger, thumb. These all are the parts of our hand. ये सारे के सारे हमारे hand के part हैं. HAND. Shoulder, elbow, wrist, finger, thumb. This makes one hand. We have two hands. हमारे पास दो हाथ है. The next one is this part. This is our knee. KNEE. With the help of knee, we can bend our leg. नी की हेल्प से हम हमारे लेग को बेंड कर सकते हैं. सो वी कैन डांस, वी कैन रन, वी कैन वॉक. विद द हेल्प ऑफ इट हम हमारे लेग को बेंड करते हैं और इसकी वजह से हम डांस कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं और रनिंग भी कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज फुट. वी हैव वन फुट एंड टू फिट. सो द वन इज फुट. With the help of feet, we can stand our body straight. Feet की help से हम हमारे पूरे body को straight खड़ा कर सकते हैं. In feet, we have fingers and toes. We have two toes. One is toe, T-O-E. In legs, we have two toes. With the help of feet, knee and toes, we can run, walk and dance. So this is our leg, L-E-G. Leg includes knee, feet, toes and fingers. These all parts of our leg. I hope you understood the whole parts or whole name of the different parts and their own work. We hope you have understood it. Keep practicing daily at home. Now we will meet in our next session. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.